नमस्कार। नीट 2024 में वो डॉक्यूमेंट्स जिनकी जरूरत पड़ेगी आपको काउंसलिंग के लिए। तो बच्चों, ये जो वीडियो है, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, समझिए और आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी मैं डिटेल यहां पर चर्चा करने वाला हूं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार अपनी फाइल से निकाल कर क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, उन सारी चीजों की टेक्निकली जांच कर लीजिए कि क्या वो सारे पेपर्स आपके वैलिड हैं या इनवैलिड हैं या उनकी डेट एक्सपायर कर गई है। तो इन तमाम छोटी छोटी चीजों को आप अगर अभी नहीं करेंगे तो वक्त जब आएगा काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगी और जब जरूरत होगी इस पेपर की, हो सकता है आपके पास उस समय समय की कमी हो। तो चलिए हम लोग ये शुरू करते हैं, इस वीडियो में समझाते हैं कि किन किन पेपर्स पे आपको स्पेशल फोकस करना है और किस तरह की उनकी डिटेल्स वैलिडिटी चेक करनी है। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे बड़ी बात ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करता हूं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक ऐसी सर्टिफिकेट है उन कैटेगरी के बच्चों के लिए जो जनरल कैटेगरी के हैं। इसमें दो चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। फर्स्ट थिंग्स कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सर्टिफिकेट्स वही बच्चे बनवा सकते हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं, यानी कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स वैलिड है उन कैटेगरी के बच्चों के लिए जो बच्चे ओपन कैटेगरीज में हैं, यानी कि एससी एसटी और ओबीसी या किसी अदर कास्ट के अगर आपके पास कैटेगरीज है तो उन बच्चों के लिए ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स नहीं है। ईडब्ल्यूएस आपको पता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की बात होती है। यहां पर आपको जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर्स के हिसाब से आपने और अपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन में वो मार्क किया होगा आप अपनी कैटेगरी, लेकिन आप अपने सर्टिफिकेट्स को निकालकर एक बार जरूर देख लीजिए कि सर्टिफिकेट्स की जो वैलिडिटी है, वैलिडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये है 1 ईयर्स। ये ध्यान रखेंगे कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है वो 1 ईयर है। ऐसा ना हो कि ये जो आपके पास सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है जिसको आप अभी मानकर चल रहे हैं कि ये जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो आपका वैलिड है और पता चला कि आपके सितंबर में इसकी वैलिडिटी खत्म हो रही हो या इससे पहले खत्म हो रही हो, तो ये सर्टिफिकेट आपके लिए बेकार हो जाएगा। तो समय रहते हुए इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को आपको एक्सटेंड कराना पड़ेगा। इसकी जो ऑफिशियल वैलिडिटी होती है वो 1 ईयर की होती है। तो 1 ईयर की वैलिडिटी यदि आपकी इन बिटवीन अप टू, मैं ये कह सकता हूं कि सितंबर अक्टूबर तक के अंदर की है, तो पहले आप इसको वेरीफाई करा ले, क्योंकि काउंसलिंग के बारे में आपको पता नहीं है कि आपको कॉलेज कब अलॉट होने वाला है, किस राउंड में अलॉट होगा, और जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाएं नोडल एजेंसीज आपके इस सर्टिफिकेट को अगर इनवैलिड कर देती है तो ऐसे केसेस में आपके अलॉटेड सीट्स कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ इस सर्टिफिकेट को लेके आपके साथ मेजर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उन तमाम बच्चों से, पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है जिनके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स हैं उनकी वैलिडिटी को जरूर चेक कर लें। और आई थिंक मेरा सजेशन है आप जो अक्टूबर तक के लिए वैलिडिटी आपकी वैलिड रहनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले वो सारी चीजें तो हो जाएंगी लेकिन आपकी वैलिडिटी आपको एक बार फिर से चेक कर लीजिए। नेक्स्ट, यदि मैं बात करूं कि वो कौन कौन से वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जरूरत आपको पड़ेगी काउंसलिंग के टाइम में, वैसे तो मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, लेकिन एक बार आपको फिर से मैं बता दूं, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट्स, डोमेसाइल सर्टिफिकेट्स, माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, 10th and 12th के मार्कशीट्स, 10th and 12th के सर्टिफिकेट्स, नीट एग्जामिनेशंस एडमिट कार्ड और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स। आप देखिए, वन बाय वन मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला टॉपिक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स यानी कि इनकम की बात कर रहा हूं। इनकम सर्टिफिकेट्स बेसिकली ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में ही आएगा। जिन बच्चों को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो इस सर्टिफिकेट से नीट में बेनिफिट लेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट्स, इसके अंदर में एससी एसटी या फिर आपका ओबीसी, ये आपके सर्टिफिकेट्स हो गई कास्ट सर्टिफिकेट्स। डोमेसाइल सर्टिफिकेट्स, अगर आपको पता है कि डोमेसाइल सर्टिफिकेट्स भी आपको जरूरत अगर है और तो वैसे केसेस में डोमेसाइल सर्टिफिकेट्स भी देख लें। इनकम
सर्टिफिकेट्स वाली की बात मैंने आपको अभी जस्ट क्लियर किया कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी 1 ईयर की होती है, कास्ट सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी अप टू 3 ईयर्स होती है, बट ये एक्सपायर नहीं होता है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट्स अगर आप चेक करें कुछ स्टेट्स में कुछ ऐसे कैटेगरीज की होती हैं जिनकी फर्दर अमेंडमेंट्स में कुछ हो सकता है कि कुछ चेंजेस आ जाए सब कास्ट या इन चीजों में, तो वहां पर कुछ कास्ट की लिमिटेशन होती है सर्टिफिकेट्स की। अदरवाइज एससी एसटी या ओबीसी सर्टिफिकेट्स जो होते हैं उनमें कास्ट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। डोमेसाइल सर्टिफिकेट्स में भी एज सच कोई एक्सपायरी डेट्स नहीं होता है। स्कूल से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, आप लोग बच्चे प्लीज स्कूल से अगर आप अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स को कलेक्ट नहीं किया है तो उसको कर ले, क्योंकि समर वैकेशंस में अगर आपको जब जरूरत पड़ी और उस टाइम अगर आपके स्कूल बंद हो तो शायद ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट ना मिले तो परेशानी हो सकती है आपके एडमिशन के टाइम में। देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी स्कूल वाले इशू करते हैं, उसे भी आप रिसीव कर लीजिए। जनरली कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी 6 मंथ्स बहुत जगह पर मानी जाती है कि विद इन 6 मंथ्स का हो, बट ओवरऑल एनटीए की तरफ से इस तरह का कोई स्पेशल गाइडलाइंस नहीं है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स की क्या वैलिडिटी होती है, यानी कि विद इन 6 मंथ्स का चाहिए, नया चाहिए या लेटेस्ट चाहिए, इस तरह की कोई एज सच गाइडलाइंस नहीं है। तो आपके पास जो स्कूल से जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू होता है वो आप सिर्फ कैरी करें। 10th और 12th की जो मार्कशीट है ये आप जरूर कलेक्ट कर लीजिए, सर्टिफिकेट भी कलेक्ट कर लेना है, पासिंग सर्टिफिकेट्स 10th एंड 12th का, नीट एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड आपके पास। अब एडमिट कार्ड, वैसे तो मैंने सभी बच्चों को बताया था कि 2 एडमिट कार्ड सेट बनाएंगे, यानी कि 1 सेट बनाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में वो रिसीव कर लिया जाएगा, और जो दूसरी कॉपी होगी वो आपको काम आएगी जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा या आप एडमिशन लेने जाएंगे। तो अभी भी समय है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कीजिए, फोटोग्राफ्स टेस्ट कीजिए, सिग्नेचर जहां पर करना है सिग्नेचर्स करें, उसको लैमिनेट करके अपने पास रख लें। ध्यान रखिएगा फोटोग्राफ्स आपको वही लगाना है जो फोटोग्राफ्स आपने अपलोड किया है रजिस्ट्रेशन के टाइम में। देन पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स आपको पता है उन बच्चों के लिए है जो बच्चे हैंडीकैप्ड या किसी तरीके से स्पेशल पोजिशंस में है उनका, तो जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके सर्टिफिकेट्स की बात मैं कर रहा हूं, और दिव्यांगों के की सर्टिफिकेट्स की जो सैंपल्स है वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिस टॉपिक्स पे मैंने आपको सारी बातें अभी बताई हैं। अब देखा जाए अगर हम लोग सर्टिफिकेट्स की बात करते हैं तो वैलिडिटी सर्टिफिकेट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है चेक करना, चाहे वो आप किसी भी स्टेट से हो या किसी भी सर्टिफिकेट की बात होती है, तो वैलिडिटी इज मस्ट। सपोज आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट्स है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट्स है, तो इनकम सर्टिफिकेट्स जो होता है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज वाले बच्चों के लिए, और इसकी वैलिडिटी 1 ईयर होती है, और आपको मैंने सजेस्ट किया कि अप टू अक्टूबर इसकी वैलिडिटी वाली आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जिससे कि एग्जामिनेशन काउंसलिंग के लास्ट फेज तक यदि आपको कोई कॉलेज मिलता है तो ऐसा ना हो कि जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाएं वहां उस टाइम आपका जो ये इनकम सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स है, इसकी वैलिडिटी एक्सपायरी हो। तो प्लीज इसको ध्यान रखेंगे, अदरवाइज रेस्ट डोमेसाइल या आपकी कास्ट सर्टिफिकेट्स यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट्स ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी इनकी कोई एक्सपायरी डेट्स नहीं होती है। तो ये है आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स, तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स जिनके हो वो ओरिजिनल कॉपी को कैरी करना है, एडमिट कार्ड की बात मैंने आपको बता दी है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में अगर रखते हैं आप और समय रहते हुए सारे पेपर्स को आप क्रॉस वेरीफाई कर लें तो मुझे लगता है कि आपको कोई परेशानी नीट काउंसलिंग के बाद एडमिशन के टाइम में नहीं होगी। देखिए मैं आपको जस्ट ये वीडियो इसलिए बताया कि समय रहते अभी 15-20 दिन का समय है काउंसलिंग स्टार्ट होने में, आप इन सारे लिस्ट को क्रॉस वेरीफाई कर लें, चेक कर लें, और फटाफट अगर किसी तरह की कोई मिसिंग हो तो आप उसको कंप्लीट करा लीजिए। ये वीडियो आपको जस्ट एक अवेयर करने के लिए था, इस वीडियो से आपकी तैयारी पूरी होगी। बेस्ट विशेस, और भी इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू।